नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। ग्लैम बुटिक स्टूडियो का शुभारंभ किया गया। इस बुटिक स्टूडियो का शुभारंभ मुख्य अतिथि बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल के द्वारा फीता काट कर किया गया। इस अवसर पर मंत्री शीला मंडल ने कहा, बिहार सरकार प्रदूषण को कम करने को लेकर राजधानी पटना के साथ साथ अन्य सभी जिलों में भी CNG और इलेक्ट्रिक बसें चलाने के साथ साथ पटना में पीली सिटी बसों को भी CNG किट लगाने को लेकर प्रस्ताव बना रही है। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बढ़ती प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, सरकार लगातार पहल कर रही है, जल्द ही इस पर सरकार अमल करेगी। मैडम अपना गिफ्ट पकड़ लेंगे। मैडम, आप इनॉग्रेशन में आई हुई हैं, क्या कुछ खास है आज? देखिए, ये हम लोग के कुछ के परिचित हैं, फैमिली के कुछ हैं, और ये महिला लोग प्रोत्साहित करने का बात है। बुटीक खोली है, बुटीक का मतलब जानते हैं कि पहले भी होता था कि लोग एक कारीगर होता था जो कि पेंटिंग का अलग होता था, फूल अलग से, लेकिन बुटीक में तो एक जगह सभी चीज़ मिलते हैं, जो ड्रेस हो, शादी का हो, चाहे नॉर्मल फंक्शन का हो, मैडम आप परिवहन मंत्री भी हैं, और क्या प्रदूषण को लेकर जो सिटी बसें हैं उसमें भी CNG लगाने की कोई प्रक्रिया शुरू हो रही है क्या? आप जानते हैं कि CNG बसें पटना में हम लोगों ने शुरू किया, उसके बाद सिटी बसें हैं उसको भी CNG में कन्वर्ट करने के लिए एक्चुअली हम लोग को अभी जो दोपहिया गाड़ी है उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ने, पहले तो ये मार्च तक ही था, लेकिन कोविड की वजह से बहुत सारे लोग अवरोध हो रहा था, बोल रहे थे कि मैडम इसका डेट बढ़ाया है, इसको हम लोगों ने 2022 तक फिर मार्च तक। बसों के लिए भी ये आगे आने वाले समय में आने वाले दिन अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन भारत न्यूज। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।